सभी स्टूडेंट बताएंगे, आवाज जा रही है? बोले भाई, आवाज जा रही है कि नहीं? नहीं जा रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड न क्लियर होने की वजह से इतना देर हमने बहुत परेशान हुआ, अब जाके थोड़ा सा क्लास चली है। चलिए फटाफट सब लोग अपने वीडियो को शेयर कर दें, अपने मित्रों के पास भेजें और हम लोग फटाफट आते हैं लाइव YouTube पर और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कमेंट पढ़िए। तो कैसे हैं भाई आप लोग? आज हम लोग सेकेंड डे मिले हैं और सेकेंड डे की कहानी क्या होगी, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल हमारा प्रैक्टिकल का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित हैं। यदि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिकल क्वालिफाई हो जाएंगे, जितना भी डर है सब हट जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है प्रैक्टिकल में, मैं पूरा चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, पूरे डेमो को आपके सामने में लेके आया हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट एचटीएमएल कोड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू टू हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड प्ले डिफरेंट वीडियोज इन ईच सेक्शन। इस तरह का प्रोग्राम आपके सामने आएगा, प्रोग्राम को आप आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इससे संबंधित आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है? यानी प्रोग्राम को आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है? बोलो भाई। आवाज जा रही है? इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछ सकता है M2 पेपर में कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट एन एचटीएमएल पेज फॉर एक्सेप्टिंग द वैल्यूज ऑफ टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स से ए एंड बी एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक कैलकुलेटर। इस तरह से ये पूरा काम आपको करना है। प्रोग्राम इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इसी को आप अच्छे से एक बार आइए कोडिंग के रूप में देखते हैं, ठीक है? हाँ, फिर लास्ट का क्वेश्चन आपसे पूछता है, मान लीजिए और दे दिया कि राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू जनरेट सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। जावास्क्रिप्ट में ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें सीरीज आपकी किसकी बनेगी, प्राइम नंबर की बनेगी, ओके? किसकी सीरीज बनेगी, प्राइम नंबर की बनेगी, ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं? आवाज़ का इशू रहा है, बड़ा देर से हम प्रॉब्लम आवाज़ के लोग के हो गई है। अब थोड़ा सा आवाज़ को लेके बताइए, आवाज़ जा रही है? इतनी देर से हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ साउंड को लेके दिक्कत में थे, क्या सभी लोग बताएं आवाज़ जा रही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
ओके, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जी बिल्कुल, पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राइट एचटीएमएल कोड टू डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू टू हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड प्ले डिफरेंट वीडियोज इन ईच सेक्शन। ठीक है, इस पे हम लोग कैसे चर्चा करेंगे भाई? एचटीएमएल का कोड बनाना है कुछ इस तरह से, आइए देखते हैं। चलिए कोडिंग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं HTML। HTML हेड, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। इसके बाद मार्जिन दे देते हैं, कितना दे देते हैं? 0। सेमी कॉलन, पैडिंग दे देते हैं, जीरो। HTML कॉमा बॉडी, बॉडी कॉमा हैश कंटेनर, 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 कर्ली ब्रैकेट ओपन, हाइट दे देते हैं, हंड्रेड परसेंट। मेन लगा देते हैं, हाइट, बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कलर, ओके, बैकग्राउंड का कर देंगे ग्रीन कर देंगे।
dot lf, height height 50% ले लेते हैं, फिर इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं, ओके डॉट VER 1 कर ले, ब्रैकेट ओपन, विड्थ 100%, ओके फिर डिफाइन करते हैं फ्लोट लेफ्ट ठीक है, इतना डिफाइन करके इसी तरीके से ये काम हम करके स्टाइल टैग को बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे, स्टाइल टैग को बंद कर देंगे, ये वायर वन हुआ, वायर टू ऐसे हो जाएगा, बैकग्राउंड आपका रेड हो जाए, स्टाइल क्लोज कर देंगे, हेड बंद कर देंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे, DIB लगा देंगे, डिवीजन के लिए होगा ना, सेक्शन डिफाइन करेगा डिवीजन, DIB ID इक्वल टू कंटेनर, मेन फंक्शन लगा दिया हमने, ठीक है, क्या लगाया, मेन फंक्शन, और यहीं पे हमने सेक्शन को डिफाइन कर दिया, सेक्शन क्लास इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हाफ, हाफ फिर सेक्शन क्लास इज इक्वल टू वायर वन, वायर वन क्या हुआ, वायर वन
ठीक है, वायर वन को हमने डिफाइन कर दिया, सेक्शन टैग बंद हो गया भाई। सेक्शन टैग को हमने बंद कर दिया, फिर सेक्शन क्लास, सेक्शन क्लास इज इक्वल टू वायर टू, वायर टू ठीक है, फिर सेक्शन को बंद कर दिया, फिर सेक्शन क्लास इक्वल टू वायर थ्री, ओके वायर थ्री। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया, क्लास इक्वल टू वायर थ्री। वायर थ्री फिर सेक्शन बंद हो गया, ओके चलिए फिर मेन टैग को बंद कर दिया, जितना टैग खुला है सबको देख के बंद कर दीजिए। डीआईवी बंद हो गया, बॉडी बंद हो गया, एचटीएमएल बंद हो गया। चलिए भाई इस तरह से पूरे प्रोग्राम को हमको डिफाइन करना है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, इस तरह से इसको हमने डिफाइन किया। थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा विंडो, माउस है क्या, माउस विंडो बड़ा करना है, माउस नहीं हो पाया। चलिए इस तरह से प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है भाई। ऐसे प्रोग्राम आपको डिफाइन करना है, ओके। आज थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम थी, मैं सोचा था कंप्लीट पूरा तीनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया, टाइम हो गया है। भाभी आपका थोड़ी देर में आईओटी की क्लास चलने वाली है, तो M2 में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है, क्वेश्चन कैसे डिफाइन करना है, क्वेश्चन पर क्या काम करना है, बस इस तरीके के मेथड को आपको याद रखना है, चाहे HTML का क्वेश्चन बने, चाहे CSS का बने और चाहे JS का बने, ठीक है। क्वेश्चन आपके तीन टाइप में ही बनेंगे, चाहे HTML का कोई प्रोग्राम आ जाए बनाने के लिए बच्चों, चाहे CSS का आ जाए और चाहे JS में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा मैं अभी क्वेश्चन को बताया हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिकल करिए, M2 के कई सारे क्वेश्चन को उठाइए,
कई जितना मैंने पढ़ाया है नोट्स वगैरह ऑफलाइन जो बच्चे हमसे जुड़े हों वो सारे क्वेश्चन को फिर से अच्छे से सॉल्व करें। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होगा, बस अच्छे से आपको तैयारी करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज के प्रैक्टिकल की क्लास को भी हम बंद करेंगे बस 5 मिनट में, और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते रहेंगे। सीएसएस की प्रॉपर्टी सब लोग विधिवत पढ़ लीजिएगा, सीएसएस की प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन इतना ज्यादा रहेंगे प्रॉपर्टी में, चाहे वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हो, चाहे कलर प्रॉपर्टी हो, चाहे बॉर्डर प्रॉपर्टी हो, सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़िएगा और उससे संबंधित प्रोग्राम को भी क्रिएट करिएगा, ठीक है। एचटीएमएल में लिस्ट पढ़ लीजिएगा, एचटीएमएल में आप टेबल पढ़ लीजिएगा, एचटीएमएल में आप लोग क्या करेंगे फॉर्म क्रिएशन पढ़ लेंगे, सीएसएस में फॉर्म क्रिएशन पढ़ लेंगे, ये सारे प्रोग्राम आपके आने की उम्मीद है यार, बस उम्मीद पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या आएगा कैसे आएगा वो डिपेंड करता है एग्जाम पर, ठीक है। बस इतना बच्चों ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तुम लोग और अच्छे से तैयारी करके जाओगे, ताकि क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो फिर ध्यान रखना की दिक्कत होगी, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। बिल्कुल लगे रहिए एकदम जबरदस्त आप लोग, और पूरी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का प्रैक्टिकल जुलाई, ठीक है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, और सभी लोग अपने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और अपना सेंटर देखें, तैयारी करें और समय से अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दें। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बाद फिर थ्योरी का भी एग्ज़ाम होगा और थ्योरी की भी तैयारी अच्छे से आप लोग करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही, बाकी बस कुछ ही समय में IoT क्लास स्टार्ट होगी, उसको भी आप लोग देखें। ओके, सबको भाई टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।